गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हिमाचल जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात आपको बता दूं कि हम चैनल का नाम चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से चैनल सर्च में नहीं आ रहा है। तो जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा कि हम चैनल का क्या नाम रख रहे हैं। और दो दिन से हम नेटवर्क की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। डाडा सिब्बा रियासत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए शिवरन चंद्र, बी शिवराम चंद्र, सी सूरज चंद, डी सुशर्मा। सुशर्मा की बात करें तो सुशर्मा ने किसकी स्थापना की? सुशर्मा ने त्रिगर्त की स्थापना की। सूरज चंद की बात करें तो सूरज चंद ने कुठार रियासत की स्थापना की। शिवराम चंद्र ने सिब्बा राज्य की स्थापना की और शिवरन चंद्र ने डाडा सिब्बा की स्थापना की। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, शिवरन चंद्र ने डाडा सिब्बा रियासत की स्थापना की थी। भज्जी रियासत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बीर सेन, बी पृथ्वी सिंह, सी जेठपाल, डी चारू राजा। बीर सेन ने किसकी स्थापना की थी? वीर सेन ने सुकेत राज्य की स्थापना की थी। पृथ्वी सिंह की बात करें, पृथ्वी सिंह ने देलत रियासत की स्थापना की थी और जेठपाल ने नूरपुर की स्थापना की थी, नूरपुर रियासत की। और चारू राजा ने किसकी स्थापना की थी? भज्जी रियासत की स्थापना चारू राजा ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, चारू राजा ने भज्जी रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए चिन्नी, बी जसवान, सी ब्रह्मपुर, डी कुलुत। तो चिन्नी किसका प्राचीन नाम था? चिन्नी जो था वो किन्नौर का प्राचीन नाम था। जसवान जो था ऊना का प्राचीन नाम था। ब्रह्मपुर भरमौर का प्राचीन नाम था और कुल्लू का प्राचीन नाम कुलुत था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चंबारंग महल किसने बनवाया? ऑप्शन ए जगत सिंह, बी सुशर्मा, सी उमेद सिंह, डी भक्तमल। तो चंबा रंग महल किसने बनवाया? चंबा रंग महल जो है वो उमेद सिंह ने बनवाया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, उमेद सिंह। अन्य राजाओं के बारे में भी जान लेते हैं जो इस ऑप्शन में दिए हैं। जगत सिंह ने किसका निर्माण करवाया? जगत सिंह ने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। वह सुशर्मा ने नगरकोट किले का निर्माण करवाया और भक्तमल ने किसका निर्माण करवाया? भक्तमल ने शाहपुर किले का निर्माण करवाया। तो इस तरह से ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि किलों से रिलेटेड, महलों से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दियो टिब्बा पर्वत शिखर किस जिले में है? ऑप्शन ए किन्नौर, बी चंबा, सी कुल्लू, डी लाहौल स्पीति। तो दियो टिब्बा पर्वत शिखर कहाँ है? ये कुल्लू जिले में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अन्य जिलों के इम्पोर्टेंट पर्वत शिखरों के बारे में भी जान लेते हैं। किन्नौर में शिला है, सिपकी है, और चंबा में पीर पंजाल है, और लाहौल स्पीति में मुकर बेहू और शिखर बेहू ये शिखर हैं। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंद्रासन पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इंद्रासन पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? इंद्रासन पर्वत चोटी की ऊंचाई 6,220 मीटर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 6,220 मीटर है। और सिपकी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? सिपकी की ऊंचाई जो है वो 6,608 मीटर है, सिपकी की ऊंचाई। उसी तरह से शिला पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? शिला पर्वत चोटी की ऊंचाई 7,026 मीटर है। बात करें मेवा कुंदनू की, तो मेवा कुंदनू की जो ऊंचाई है वो 5,944 मीटर है, मेवा कुंदनू की ऊंचाई। तो इंद्रासन की आपको याद रखनी है, इंद्रासन की जो ऊंचाई है वो 6,220 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबा को पांगी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ए है तेंतू दर्रा, बी द्राष्टी दर्रा, सी तामसर दर्रा, डी छोबिया दर्रा। तो चंबा को पांगी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? द्राष्टी दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चंबा को पांगी से जोड़ता है। और छोबिया दर्रा किसको जोड़ता है? छोबिया दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। तामसर दर्रे की बात करें, तामसर दर्रे की जो ऊंचाई है वो 4,572 मीटर इसकी ऊंचाई है। और तेंतू दर्रा जो है वो तेंतू दर्रा कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। इस तरह से आप इन सबको याद रखिएगा। हामटा दर्रा किसे जोड़ता है? तो हामटा दर्रा कुल्लू से स्पीति को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांगुल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गांगुल वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? ये चंबा जिले में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, चंबा जिले में है और 109 स्क्वायर किलोमीटर है ये।
अन्य जिलों के वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में भी जान लेते हैं। सोलन की बात करें तो सोलन में चायल है, मुजाठल है और सिल्ली वन्य जीव अभयारण्य, ये सोलन जिले में है। उसी तरह से मंडी की बात करें तो मंडी में बांदली है, नारगू है और शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य है। उसी तरह से सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में रेणुका वन्य जीव अभयारण्य है और चूड़धार वन्य जीव अभयारण्य है। तो इस तरह से आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छू मूर्ति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली किस की नस्ल है? तो छू मूर्ति किस की नस्ल है? ऑप्शन ए है याक, बी घोड़ा, सी गाय, डी हिरण। तो छू मूर्ति जो है वो किसकी नस्ल है? ये घोड़े की नस्ल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंभर पुल किस नदी पर बना है? तो गंभर पुल किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है सतलुज, बी ब्यास, सी रावी, डी चिनाब। तो गंभर पुल जो है वो सतलुज नदी पर बना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यास का वैदिक नाम क्या है? तो ब्यास के वैदिक नाम की बात करें, ऑप्शन ए है पुरशाणी, बी कालिंदी, सी अश्किनी, डी अर्जिक्या। तो पुरशाणी किसका वैदिक नाम है? पुरशाणी रावी का वैदिक नाम है। उसी तरह से कालिंदी की बात करें तो कालिंदी यमुना का वैदिक नाम है और अश्किनी चिनाब का वैदिक नाम है। और अर्जिक्या किसका वैदिक नाम है? अर्जिक्या जो है वो ब्यास का वैदिक नाम है। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और हिमाचल प्रदेश के जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।